उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है। हादसे में एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पलट गई है, जिसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला सीतापुर के रामपुर कला थाना अंतर्गत कदनी मार्ग का है। यहां बिस्वा से लखनऊ जा रही रोडवेज बस का अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसके चलते रोडवेज बस अनियंत्रित हो गई और बीच सड़क पलट गई। ये बस की जो कमानी टूट गई थी। हाँ, फिर वो बस ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, बस पलट गई। तो उसमें कितने लोग घायल हैं? उसमें कम से कम 35 लोग। हाँ, और उसमें चार बच्चे हमारे थे। हाँ, एक हमारी बीवी थी। हाँ, सब लोग घायल हो गए। और सब और कितने लगभग घायल हुए हुए हैं? और घायल हुए हैं कम से, उसमें कोई नहीं है जिसके चोट ना लगी। अच्छा, सभी लोग? सभी लोगों के लगभग 3500 लोग हैं। सब लोग 3500 लोगों के लगे। कोई सीतापुर शहर से गया है, आया है, कोई कसमंडा आया है, कोई बिस्मा आया है, और जो कोई प्राइवेट में गया है। अच्छा, बस के पलटने के बाद इसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को आनन फानन में CSC पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीच सड़क रोडवेज के पलटने से परिवहन विभाग की बसों के फिटनेस को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। उपरोक्त घटना से पता लग रहा है कि शहर में चल रही बसें कितनी असुरक्षित हैं। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।